तो दोस्तों Realme एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंडिया के अंदर हर मंथ लगभग 2-3 स्मार्टफोन को लॉन्च करता है। कुछ समय पहले Realme 7 सीरीज को लॉन्च किया था जिसमें Realme 7 और Realme 7 Pro स्मार्टफोन मिले थे और ये दोनों अपनी प्राइस रेंज पर बेस्ट स्मार्टफोन थे। और अब Realme कुछ अलग डिजाइन और बेस्ट फीचर्स के साथ Realme 8 सीरीज को लॉन्च करेगा जिसके अंदर आपको Realme 8 और Realme 8 Pro स्मार्टफोन मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में Realme 8 Pro स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा, क्या कुछ फीचर्स के साथ ये आ सकता है और इंडिया के अंदर इसकी कितनी प्राइस हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होगी, सो एंड तक बने रहिए। बट दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो इसके अंदर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा जिसका मेन सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का। इसके अलावा आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलेगा। अगर दोस्तों इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों न्यू लीक्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है क्योंकि Realme X7 सीरीज के अंदर आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। तो जहां तक मुझे लगता है कि Realme कहीं ना कहीं पर तो कॉस्ट कटिंग करेगा ही, इसलिए दोस्तों इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले 90Hz के साथ मिल सकता है और ये एक पंचोल कटआउट डिजाइन के साथ आएगा जिसमें आपको इनक्लोज्ड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड माउंटेड देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर दी जाएगी और आपको 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। इनके अलावा आपको टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिलेंगे। प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का ऑक्टा कोर पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों ये स्मार्टफोन 5G के साथ आएगा और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 जो कि Realme UI पर रन करेगा। और अगर फाइनली इसकी प्राइजिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइस होगी इंडिया के अंदर अप्रोक्स 20-25 हज़ार रुपये के बीच में। और बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की, तो ये स्मार्टफोन नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ में लॉन्च हो सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।